जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अजित टेक। मैं हूं अजित, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रिंटर में अगर इंक फंस जाता है तो उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं या फिर कलर मैनेज कैसे कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। सो गाइस, वीडियो अंत तक देखते रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम को ओपन कर लेना है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, इसके बाद आप कलर को मैनेज आराम से कर पाएंगे। सो गाइस, मेरे पास फिलहाल अभी एक प्रिंटर है कैनन का, जो G2012 मॉडल का है। उसमें आज हम कलर को मैनेज करने वाले हैं। सो गाइस, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, सिस्टम में आने के बाद आपको सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पे आपको चले जाना है। सो गाइस, जाने के बाद आपको से एक ऑप्शन मिल जाएगा हार्डवेयर एंड साउंड का, उस पर आपको चले जाना है। सो गाइस, जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस एंड प्रिंटर, आपको उसमें चले जाना है। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डायरेक्ट आने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट पर जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस एंड प्रिंटर का, तो आपको डिवाइस एंड प्रिंटर पर आपको चले जाना है। सो गाइस, यहाँ आने के बाद आपको जो भी प्रिंटर कनेक्ट रहेगा उस पर आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे आपको चले जाना है। सो गाइस, यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले आपको मेंटेनेंस पे आपको चले जाना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा क्लीनिंग एंड लिंक फ्लेश का। सबसे पहले मैं क्लीनिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, क्लिक करते हैं क्लीनिंग पे, ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है कौन सा इंक आपको क्लियर करना है, उस पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको एक्सट्रेस कर देना है। तो मैं सबसे पहले ऑल पर कर देता हूं, क्योंकि सब कर देने से सही रहेगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ऑल पर कर देता हूँ, इसके बाद एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर होने लगा। मैं आपको प्रिंटर का किस तरह से आवाज़ दे रहा है मैं उसका वीडियो अलग से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज, आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भेजिए। और चैनल पर पहली बार आया है, फिर से बोलूंगा, चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।